क्यों क्यों इतने सालों से अटका है छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू कम मेमोरियल पार्क? क्या कारण है? किसकी लापरवाही है? बनेगा भी या नहीं? कई सवालों से घिरा है यह महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट, और इसलिए आज इस वीडियो में शुरू से शुरुआत करेंगे और देखेंगे अब तक क्यों नहीं बन पाया, करंट सिनेरियो क्या है, फ्यूचर में बनेगा भी या नहीं। तो आज की इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। और हाँ, यदि आप छत्रपति शिवाजी महाराज को मेरी तरफ पसंद करते हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात 2004 की है, जब महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी। यही वो साल था जब गठबंधन सरकार ने मुंबई में 100 करोड़ की लागत से छत्रपति शिवाजी महाराज की टॉलेस्ट स्टैचू बनाने का विचार किया। हालांकि उनका विचार विचार ही रह गया। फिर आया साल 2014, महाराष्ट्र में सरकार बदलती है, शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनती है, जिस परियोजना के लिए 2004 से इंतजार किया जा रहा था। फाइनली वो समय आ गया था जब 2016 में इस परियोजना को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। बताया जाता है कि ये वही साल था जब इस 100 करोड़ वाली इस परियोजना को बीजेपी और शिवसेना की सरकार ने 3800 करोड़ की प्रोजेक्ट बना दिया। हालांकि 2018 में घटाकर 2500 करोड़ जरूर कर दिया गया था, बट तब भी काफ़ी एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव इसलिए भी था क्योंकि जिस छत्रपति शिवाजी मेमोरियल पार्क कम स्टैचू की बात कर रहे हैं, वो कोई साधारण परियोजना नहीं था, बल्कि मरीन ड्राइव से 1.5 किलोमीटर दूर अरेबियन सी में प्रस्तावित किया गया एक महत्वपूर्ण परियोजना था। आप सुनकर शॉक्ड हो जाओगे क्योंकि इस परियोजना के तहत समुन्दर में शिवाजी की 212 मीटर टॉल स्टैचू को प्रपोज किया गया था। पूरा परिसर 16 हेक्टेयर में विकसित होना था, जहां पर शिवाजी महाराज की फोर्ट की रेप्लिका को बनाया जाना था, और इसी रेप्लिका के भीतर ही मेमोरियल पार्क, म्यूजियम, कॉन्वेंशन सेंटर, लाइब्रेरी, गैलरी, एम्पी थिएटर, फूड कोर्ट और हॉस्पिटल जैसी चीज़ों को प्रस्तावित किया गया था। और इतना ही नहीं, कनेक्टिविटी के लिए मुंबई मेट्रो, रॉपवे और हेलीपैड जैसी परियोजनाएं शुरू की गई थी। दोस्तों, सुनने में जितना ही ज़्यादा आकर्षक और रोमांचक लग रहा होगा, चुनौतियां भी उतनी ही विकराल थी। जैसे ही मोदी जी ने दिसंबर 2016 में परियोजना का जल पूजन कर आधारशिला रखा, जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए, पर्यावरण के मुद्दे सामने आने लग गए, मछुआरों की रोजी रोटी का संकट गहराने लगा, और यही कारण था कि राजनीति के विवाद शुरू हो गए, एनजीओ और कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशन सामने आने लग गए, और फाइनली मामला कोर्ट पहुंच गया। पर सवाल अब भी वही है, क्या मोदी जी का फाउंडेशन स्टोन रखना एक बेसलेस बात थी? क्या शिलान्यास से पहले स्टडी या रिसर्च नहीं किया गया था? लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आज डेट है 8th of October 2024, बट आज भी वही सब सवालों से घिरा हुआ है कि प्रोजेक्ट में और कितनी देरी होगी, बनेगा भी या नहीं। पर इसका जवाब अब भी हमारे पास नहीं है। होगा भी कैसे, जिस प्रोजेक्ट की आधारशिला ही बेसलेस हो, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए लिया गया हो, उसकी सफलता की क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। बट फिर भी ये समझने की कोशिश हम जरूर करेंगे कि प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं, या फिर और कितना डिले होगा। तो गाइज, इसको समझने के लिए हमारे पास ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट दो पॉलिटिकल व्यूज हमारे पास ज़रूर हैं, पहला राज ठाकरे जी का और दूसरा संभाजी राजे जी का। इन दोनों पॉइंट से बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्लियर कर पाएंगे कि प्रोजेक्ट बनेगा या फिर नहीं बनेगा। सबसे पहले संभाजी राजे की बयान को हम देखते हैं। संभाजी राजे जी का कहना है कि मैंने सभी मुख्यमंत्रियों से बात किया, सबका एक ही बात कहना है कि कोर्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं दे रही है, इसका सरकार से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब तक कोर्ट इसको अप्रूव नहीं करती है, हम काम को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। जबकि राज ठाकरे जी का कहना है कि प्रोजेक्ट आज के डेट में 25 से 30 हजार करोड़ की हो चुकी है, और यही कारण है कि प्रोजेक्ट बन ही नहीं पाएगा, और इतना पैसा खर्च करना भी एक तरह से मूर्खता या फिर बेवकूफ़ी होगी। बेटर यही होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की फोर्ट को रेनोवेट किया जाए, टूरिज्म फ्रेंडली बनाया जाए। हालांकि ये तो पॉलिटिकल मसले थे, बट मैंने भी इस पर काफ़ी रिसर्च किया, कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, कई सारे इंटरव्यूज देखे, उन सभी से यही समझ में आया कि इन जो दो नेताओं ने जो बात कही है वो काफ़ी सिमिलर भी है, क्योंकि प्रोजेक्ट इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि गवर्नमेंट अब दिलचस्पी दिखा ही नहीं रही है। वहीं ये भी बात सच है कि जब तक कोर्ट इसको क्लियरेंस नहीं देती है, गवर्नमेंट इसमें कर भी कुछ नहीं पाएगी। बट पॉजिटिव न्यूज़ यह है
कि ऑफिशियली इसे कैंसल्ड नहीं किया गया है। बट हमें एक बुरा सपना समझकर ये भूलना होगा कि कभी इस तरह की परियोजनाएं कभी किसी ने नींव रखी थी, क्योंकि दोस्तों सेंटर में बीजेपी और स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट होने के बावजूद यदि यह परियोजना नहीं बन पाता है तो निश्चित तौर पर किसी दूसरे गवर्नमेंट में तो बन ही नहीं पाएगा। ऐसे में इस पर आपका क्या व्यूज़ है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल आज की ये मेरी वीडियो यहीं पेंड होती है। अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।